नेक्स्ट हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ज्यादातर हमारे पास जो अर्थ पर रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं बिलोंग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स बाय इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स। जहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस यंग वंस, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या था? जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हो जाना। लेकिन यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। कुछ गुण एक पेरेंट के आएंगे, कुछ गुण दूसरे पेरेंट के आएंगे, इसलिए ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल अलग होंगे। क्या एडवांटेजेस है? इट प्रोवाइड चांस ऑफ वेरिएशन। यही वो रिप्रोडक्शन है जिसकी वजह से विभिन्नताएं आती हैं। और अगर विभिन्नताएं आएंगी तभी हमारा एवोल्यूशन होगा, तभी नई तरह की प्रजातियां बनेंगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती तो हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात ही नहीं कर सकते थे कि हम ह्यूमंस कैसे ओरिजिनेट हुए। कि बंदरों में जब विभिन्नताएं ऐड होती रही तब उनसे क्या है? ह्यूमन बीइंग विकसित हुए हैं। तो वेरिएशन आने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विभिन्नताएं आएंगी तभी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को बदलते पर्यावरण में स्थापित कर सकता है, एवोल्यूशन में मदद कर सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीन इवेंट्स होते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन, जुड़ना। और तीसरा क्या है? जुड़ने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम दो स्टेप्स पढ़ते हैं, गैमिटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। गैमिटोजेनेसिस, गैमीट जेनेसिस का मतलब होता है बनना। गैमीट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैमिटोजेनेसिस, गैमीट जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना। तो क्या है ये? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमीट। हैप्लॉयड का मतलब यहां पर क्या है? जब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए? आधे हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2n डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, हम डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड 23 के सेट हैं हमारे पास, 23 गुना 2। इनसे जो गैमीट बनेगा उसके पास कितने जाएंगे? इनसे आधे क्रोमोसोम जाएंगे, 23 क्रोमोसोम जाएंगे। तो ये क्या बन गया? एक हैप्लॉयड। तो गैमिटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमीट आर कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। तो वो सेल्स हमारी बॉडी में जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एक जर्नल टर्म से बताया गया है, मियोसाइट्स। जैसे फीमेल्स के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है वो है एग, और मेल्स के अंदर जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्पर्म है। आप देखकर दोनों को बिल्कुल अंतर बता सकते हो। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ये गैमीट्स भिन्न है, आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे से हम अंतर कर सकते हैं। ऐसे गैमीट्स क्या कहलाते हैं? हिटरोगैमीट्स। ये आप नोट्स में पढ़ सकते हो कि जब आप देखकर अंतर बता सको कि ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, तो ऐसों को हम क्या बोलते हैं? हिटरोगैमीट्स। देखकर आप अंतर कर सके। दूसरा है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन हो गई, अब गैमीट को मिलाना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमीट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या होगा? जब गैमीट्स आ गए एक दूसरे के पास तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मैं ये बात कर रही हूँ, ये एग है, ये स्पर्म है, तो एग क्या है? अपना न्यूक्लियस इसके अंदर दे देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के भी डिफरेंट मोड्स हैं, वो हम कल करेंगे।
कल हम कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट प्रॉपर. एक्चुअल डेफिनेशन इज इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. कैसे बने ऑफस्प्रिंग्स? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. और वो गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? एक ही इंडिविजुअल से भी, एक ही ऑर्गेनिज्म से भी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं है कि टू पेरेंट्स. एक्चुअल क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. दो गैमीट्स के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसे हम एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. तो इसलिए क्या है कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे जहां पर ये गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हो रहा है. तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव टू पेरेंट्स. क्या इंपॉर्टेंट है? फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. जैसे हम प्लांट का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, एसेंशियल पार्ट क्या है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए? फ्लावर. फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए? मेल पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन. और फीमेल पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल. इन दोनों की जरूरत है किस चीज के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो अगर ये पार्ट फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर, एक प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही हो, या तो स्टेमेन हो या कार्पल हो, तो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे. तो ऐसे प्लांट्स जो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइशियस. डाई मतलब दो. जबकि दूसरे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर्स, या उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनेशियस. एक ही फ्लावर के अंदर क्या है? आपका स्टेमेन पार्ट, मेल पार्ट भी है, और कार्पल फीमेल पार्ट भी है. तो जरूरी चीज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? स्टेमेन मेल पार्ट का होना, कार्पल फीमेल पार्ट का होना. ये दोनों चीजें अलग अलग फ्लावर्स के ऊपर भी हो सकती हैं. ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल. ये दोनों चीजें एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकती हैं, उनको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूरी है? फ्लावर का बनना. तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर हमारे तीन तरह के प्लांट्स पाए गए हैं. सबसे पहले हैं एनुअल, दूसरे हैं बायनियल और तीसरे हैं पेरिनियल. एनुअल प्लांट का मतलब है वो प्लांट जो एक साल के बाद क्या है? फ्लावर देना शुरू करते हैं, जिनका वेजिटेटिव पीरियड क्या है? छोटा है, एक साल का है. दूसरे बायनियल फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो दो साल के बाद फ्लावर करते हैं, मतलब उनका वेजिटेटिव पीरियड कितना है? दो साल का है. तीसरे पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट जिनका वेजिटेटिव पीरियड बहुत लंबा होता है और वो लगभग मैनी ईयर्स का हो सकता है. जैसे आपकी बुक में दो एग्जांपल दे रखे हैं, बैम्बू प्लांट और आपका नीलकुरंजी. बैम्बू प्लांट 50 से 100 साल का पीरियड है उसका वेजिटेटिव पीरियड. तो हम क्या कहेंगे? लगभग 50 और 100 साल के बाद उसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे. ऐसे ही नील कुरंजी जो है वो 12 साल के बाद फ्लावर देता है, तो उसका वेजिटेटिव पीरियड कितना हुआ? 12 इयर्स. तो हम जितने भी फ्रूट हम खाते हैं, मैंगो हो गया या आपके ग्रेप्स हो गए, वो ज्यादातर कौन से प्लांट्स हैं? एनुअल प्लांट है, जो आपको अगले साल या दूसरे साल आपको फल देना, उनके ऊपर फ्लावर आना शुरू हो जाता है, उसी से क्या बनेगा? फल बनेगा. तो फूल जो फ्लावर आ रहा है उसके आने पर, आने से जो प्लांट्स हैं वो तीन कैटेगरी में है, एनुअल, बायनियल और पेरिनियल. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब एनिमल्स में देखते हैं. तो जैसे हमने प्लांट्स में देखा एसेंशियल पार्ट क्या है रिप्रोडक्शन करने के लिए? प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, हैविंग मेल और फीमेल पार्ट. ऐसे ही एनिमल्स में एसेंशियल पार्ट क्या है रिप्रोडक्शन करने के लिए? गोनैड्स. गोनैड्स क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन. मेल ऑर्गन अलग होता है, फीमेल ऑर्गन क्या है? अलग होता है. ठीक है, तो ज्यादातर हमारे एनिमल्स कैसे हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है डिफरेंट गोनैड्स. मेल अलग है, फीमेल अलग है, लेकिन बहुत सारे हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर बायसेक्सुअल कंडीशन है.
अभी हमने देखा था बायसेक्सुअल कंडीशन क्या थी, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो प्लांट्स में हम उसको बायसेक्सुअल कंडीशन बोल रहे हैं, लेकिन एनिमल्स में वही चीज क्या कहलाती है, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट क्या है, कंडीशन और एनिमल्स विच पोजेस बोथ गोनैड्स इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गोनैड्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, स्पॉन्जेस, इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट इवेंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मींस गैमेट, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, कि ये जो दो गैमेट्स बने हैं ये आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, फ्यूजन हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल मींस बाहर, आउटसाइड द बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन बाहर किसी मीडियम में हो रही है, यूजुअली किस में होती है, वॉटर में, बाहर किसी मीडियम में फ्यूजन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये यूजुअली किसमें होता है, एम्फीबियंस और फिशेज में, जैसे फ्रॉग का एग्जांपल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं, आपके बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल, फीमेल बॉडी के इनसाइड में, बच्चा वहां पर ग्रो करेगा। तो यही नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल, अब इन दोनों में बेटर कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारी बेटर होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या चांस रहेगा, बच्चा मदर की बॉडी में प्रोटेक्टेड है, उसी के अंदर वो ग्रो करेगा, तो स्क्वेंजिंग, दूसरे एनिमल को खाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसके ऊपर खतरा नहीं मंडराएगा कि वो किसी दूसरे एनिमल से खाया जाए। जबकि जब किसी मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो फ्यूजन वाटर में ही घूम रहा है, तो उसकी वजह से दूसरी फिशेज या दूसरे फ्रॉग उस फ्यूजन पार्ट को खा सकते हैं, तो चांस ऑफ सर्वाइविंग वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, जब इंटरनल बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रही है, तो वेस्टेज ऑफ गैमीट्स क्या होगी, वहां पर कम होगी, तो हमें ज्यादा गैमीट्स प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज बेटर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थर्ड इवेंट की तरफ चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि जब गैमीट्स की फ्यूजन हो गई और पहला सेल बन गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। जैसे हम यहां पर क्या ले रहे हैं, फीमेल गैमीट है ये, तो उसकी प्लॉयडी क्या होगी, हैप्लॉयड होएगा वो। ऐसे ही मेल गैमीट स्पर्म है, उसकी प्लॉयडी क्या होगी, हैप्लॉयड, आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इन दोनों में। ये दोनों फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, पहला सेल जाइगोट, जिसका नेचर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। यहां पर 46 क्रोमोसोम हो गए, 23 23 46, जो हमारे अंदर एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 46। तो ये जो इवेंट हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो बदलाव आएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें सबसे पहला है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब बच्चा, जेनेसिस मतलब बनना, एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो की सिंथेसिस को हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। कैसे बनेगा, कौन से डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन। माइटोटिक डिविजन्स कैसी होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, इसमें 46 थे, तो इससे जितने भी नए सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्या होगा, 46 ही होगा। तो ये जो ग्रोथ है किसी भी जाइगोट की, एम्ब्रियो में बनने की, उसे हम क्या बोल रहे हैं,
एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो डेवलपमेंट है हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में बात करते हैं कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने लेता है ग्रो करने के लिए, तो ये हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट, हर एनिमल में, हर प्लांट में ये वेरी करती है। तो हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है ये 2 तरीके की हो सकती है, ओवीपैरस और वीवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म या हम कहें एम्ब्रियो बाहर ग्रो करे, बॉडी में ग्रो नहीं कर रहा है, बाहर ग्रो कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवीपैरस। और वीवीपैरस जब बच्चा माँ के अंदर ग्रो करे, फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो करे, उसको हम क्या बोलेंगे, वीवीपैरस। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, भले ही उनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाए लेकिन वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद उनमें से चूजा निकलता है, तो बच्चा बाद में निकला है तो बच्चे की ग्रोथ कहाँ हो रही है, मदर की बॉडी के बाहर। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के बाहर होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओवीपैरस। और जिनमें एम्ब्रियोजेनेसिस मदर की बॉडी में ही होता है, फुली ग्रोन बच्चा ही मदर की बॉडी से बाहर आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वीवीपैरस। तो इन दोनों में से कौन बेटर होगा, वीवीपैरस ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, प्रोटेक्टेड रहता है जब तक वो फुली मैच्योर नहीं हो जाता।